क्या जाने अनजाने या कभी भी मैंने टीना के बारे में कुछ कहा है? नहीं। लेकिन क्या टीना ने मेरे बारे में कहा है? डेफिनेटली। वेल, मेरे बारे में नहीं, बल्कि शालीन ने इस वक्त टीना की लॉयल्टी पर सवाल उठा दिए हैं। शालीन ने टीना की बैंड बजाते हुए काफी कुछ कहा है, जो इस वक्त मैं आपको ना सिर्फ बताऊंगी बल्कि पूरा का पूरा वीडियो भी दिखाऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं हर कोई एक ही बात कह रहा है, हर कोई एक ही चीज़ कह रहा है, और वो चीज़ है कि शालीन फेक है। सोशल मीडिया से लेकर अब तो भाई कल पूरा एपिसोड काफ़ी हद तक इस चीज़ को दिखा रहा था कि कैसे ये कहा जा रहा है कि शालीन भनोट फेक हैं, शालीन एक्टिंग कर रहे हैं, शालीन अपना एक्टिंग का ऑडिशन देना बंद कीजिए, शालीन अपना 150 ग्राम चिकन लो और उसके बाद अपना 150 ग्राम प्रोटीन लो और उसके बाद आप अपने रास्ते निकलो, है ना, अपना ऑडिशन बंद करो। इस तरह की कई सारी बातें शालीन को लेकर कॉन्स्टेंटली की जा रही हैं। लेकिन चलिए अब मैं आपको बताने आ गई हूँ कि आखिर कैसे शालीन को जो नेगेटिव कहा जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, अब ये दोगलेपन का जो मुद्दा है, यानी शालीन झूठे हैं या नहीं है, ये मुद्दा यहाँ से निकल कर टीना पर आ चुका है। कैसे, ये देखिए। ये मैंने नहीं बोला, वैको नहीं कि मैंने इनके बारे में बोला है, बट इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। ऑलवेज बीन द गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, एंड आई एम बीन द बैड बॉय, बैड गर्ल, बैड गर्ल, बैड गर्ल। देखो ये मुझे बोल रहा हूं, बताया उसमें जो ज्यादा रिएक्ट करेगा उसके बारे में वैसे ही रिप्लाई आएगा। मैं आप दोनों से इंडिविजुअली पूछ रहा हूं, कभी भी मैंने टीना के बारे में कुछ बुरा बोला आपको? नहीं, तो मैंने भी कुछ नहीं किया इनके बारे में। अभी आप चुप रहे प्लीज, यू डू नॉट टॉक टू मी लाइक दैट। पॉइंट आज ये हो रहा है बात कि कभी भी जायज या नाजायज कारण में इन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला होगा, लेकिन मैंने कितना भी मैं जला हूँ लेकिन मैंने इनके बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोला। मैं बोल रही हूँ, बट मैंने ये डेफिनेटली बोला है जो आप दोनों के सामने मैंने बोला है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। मैं ग्रैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा। और अगर आप कंपैरिजन के तौर पर ले रही हैं तो फिर आप गलत हैं। शालीन भनोट और टीना दत्ता के बीच इस वक्त एक बड़ी राइवलरी हो गई है, इस वक्त एक बड़ा बवाल मच गया है, और इस बवाल में कुल मिलाकर एक ही चीज है, हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि शालीन, टीना और शालीन के बीच में, टीना ने फिर भी कई बार शालीन की बुराई की है, कई बार शालीन को लेकर काफी कुछ कहा है। जब शालीन एमसी स्टैन शिव इन सबके रूम में चले गए थे तब भी टीना ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन शालीन ने कभी टीना की बुराई नहीं की है। अब इस बात पर आप किसको सपोर्ट करते हैं बताइएगा।